हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इस मार में। दोस्तों ये नोकिया का फोन है, नोकिया का दोस्तों कोई भी फोन हो, यदि आपके मोबाइल में यहाँ पे नेटवर्क के बगल में इस प्रकार से तीर का निशान बना हुआ है तो समझ लीजिए आपके मोबाइल पे कार्ड लेबल लगा है और आपका फोन किसी और के फोन पे जा रहा है। दोस्तों तो इसे हटाने के लिए दोस्तों क्या करना है दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, मेनू में जाना है, सभी फाइल को खोल लेना है। सभी फाइल को खोलने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो है सेटिंग में जाना है दोस्तों। तो चलिए आप यहाँ पे सेटिंग ढूंढ लेना अपने मोबाइल में, आपका कोई भी मोबाइल हो दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करना, यदि आपका मतलब इस प्रकार से तीर का निशान बना हुआ तो इसे हटाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे आप, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सेटिंग को सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये सेटिंग है, सेटिंग को यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं। तो आप भी अपने मोबाइल में जो है सेटिंग को जो है सिलेक्ट कर लेना, ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉल सेटिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे और नीचे जाओगे, थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉल सेटिंग को आपको जो है ओके कर लेना है दोस्तों, कॉल सेटिंग को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से जब आप कॉल सेटिंग को सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉल डाइवर्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आपको कॉल डाइवर्ट पे जाना है दोस्तों। कॉल डाइवर्ट पे आप जाएंगे उसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कॉल डाइवर्ट लिखा हुआ है आपका मोबाइल में, मतलब जैसे ये तो पहले नंबर पे आपका किसी भी नंबर पे हो तो आपको सिर्फ कॉल डाइवर्ट में जाना है। तो कॉल डाइवर्ट पे आप जो है आपका मोबाइल जो है कॉल डाइवर्ट लगा हुआ है, कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल डाइवर्ट, तो आपको यहाँ कॉल डाइवर्ट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डाइवर्ट ऑल वॉइस कॉल, मतलब हमारा सभी कॉल मतलब हमारा डाइवर्ट है, मतलब हमारे फोन पे किसी का भी फोन नहीं आ रहा है, सभी फोन दूसरे फोन पे जा रहा है। तो उसे जब सेलेक्ट करोगे ओके करोगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों, एक्टिवेट, कैंसिल और चेक एसएसएस। सबसे नीचे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका मतलब किस नंबर पे कॉल डाइवर्ट लगा हुआ है दोस्तों। तो हमें कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए आपके दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, कैंसिल करने के लिए आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए कैंसिल पे हम जो है ओके बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, कैंसिल पे हम जो है ओके कर देंगे दोस्तों। ये जब हमारे मोबाइल में बैलेंस रहेगा तभी मतलब ये ट्रिक काम करेगा, तभी ये कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग बताएगा, रिक्वेस्टिंग बताने के बाद यहाँ पे देखिए इनएक्टिव फॉर वॉइस कॉल, मतलब ये हमारा इनएक्टिव हो गया, मतलब हमारा डीएक्टिवेट हो गया जो है कॉल डाइवर्ट हमारा डीएक्टिवेट हो गया। अब हम यहाँ से दिखा देते हैं आपको हमारा जो है जो तीर का निशान बना हुआ था यहाँ पे नेटवर्क के बगल में वो हमारा पूरी तरीके से हट गया। अब कोई भी हमारे मोबाइल पे फ़ोन लगाएगा तो हमारे मोबाइल पे फ़ोन आएगा दोस्तों। पहले क्या होता था, कोई भी फ़ोन करता था तो किसी और के फ़ोन पे जाता था फ़ोन हमारा, अब जो है किसी कोई भी फ़ोन करेगा तो हमारे मोबाइल पर फ़ोन आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अपने मोबाइल का कॉल डाइवर्ट हटाएंगे दोस्तों। आपका नोकिया कोई भी फ़ोन हो इस प्रकार से आप मोबाइल का कॉल डाइवर्ट हटा लेना दोस्तों। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।